ब्रह्मांड के अंदर अनेकों देवी देव हैं, वो सब के सब परमात्मा के अधीन है, सबकी सुपर पावर परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा का पता कैसे चले, कैसे पहुंचे, किसको मिला, जिसको परमात्मा प्राप्त हुए, जिसको उसका अनुभव हुआ उसको गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ और ही सीन चल रहे हैं। आजकल बहुत लोग तो अवतार हो गए कि लाखों लाख अवतार घूम रहे हैं, किसी को भी थोड़ा सा हाथ लगाओ वहीं से अवतार निकल करके उछल के बाहर आ जाते हैं। जो उनसे बचे खुचे हुए लोग हैं वो फिर गुरु बन गए। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपका नाम बड़ी दूर तक सुना है मैंने और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ और मैं कई विद्याएं जानता हूँ जो आपके काम भी आती रहेंगी, कि आपका ये थोड़ा सा लोग आ रहे हैं ये जो परेशानी है ये आपकी मैं कम भी कर दूंगा, कि उनसे मिल करके उनकी जो दिक्कतें हैं मैं बाहर ही निपटा दूंगा, तो मैं सब प्रकार की आपको सेवाएं दूंगा और आपकी शरण में रहूंगा और मेरे साथ 500-700 मेरे शिष्य भी हैं, वो भी साथ में आपकी शरण में आना चाहते हैं। मैं सुनता रहा, बहुत देर सुनता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने शिष्य मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रकार की बातें हुई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या परमात्मा प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा अगर प्राप्त ही हो जाते तो आपके पास क्यों आता मैं? उसी की खोज के लिए तो आया हूं। हालात ये हो गई। मैंने दूसरा सवाल किया, शिष्य बनाने की किसने बोली आपको, किससे आदेश लिया, किससे पूछा? उन्होंने कहा अकबस जी, लोग आते रहे, महिलाएं आती रही, प्रणाम करती दंडवत, और मेरा ये काम था, उनके छोटे मोटे काम हो जाते और वो आ करके मेरे से नाम ले लेते। मैंने कहा आपको नाम के बारे में पता है, क्या तत्व है नाम? मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा फिर जी, मैं तो माता का नाम दे देता हूँ और बस बोल देता हूँ कि हर रोज दीपक लगाना और होली दीपावली के ऊपर चौराहे के ऊपर वो सामान रखवा देना और बस हो जाएगा कल्याण। मैंने कहा तुम्हारा हो गया? नहीं, इसीलिए आया हूँ। तो संसार के अंदर ऐसे बहुत लोग हो गए हैं जो हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर शब्द के ऊपर दावा करते रहते हैं। ये आज नहीं हुआ, कृष्ण जी के समय भी पौंडरक जैसे लोग आते थे, कृष्ण का रूप धर करके आते रहते थे,
कुछ कुछ संसार के अंदर गलत तरीके चलाते रहते थे, ये हर समय होता है। लेकिन बात सावधान रहने की होती है। कोई भी अगर ये बोले कि मैं अवतार हूँ, आप बड़े करंट के साथ सावधान हो जाना कि कोई नया ड्रामा पैदा होने वाला है और कुछ नई घटनाएं होने वाली हैं और हमें कोई नया आदमी बेवकूफ़ बनाने वाला है, हम नहीं बनेंगे। दूसरा, जब गुरु की बात आए, कोई बोले मैं गुरु हूँ, उनसे शब्द के बारे में पूछिए, शब्द क्या तत्व है, कैसे अनुभव हो, सार तत्व क्या है, ध्यान कैसे करें भाई, चढ़ाई कैसे होती है, कौन कौन रास्ते में मिलेंगे और क्या व्यवहार करना है हमें उनके साथ, कहाँ ले के जाओगे हमें, किस लोक में ले जा करके छोड़ोगे और तुम्हारा स्थान कहाँ है। जब आप ये बातें पूछोगे, उनको भी थोड़ी थोड़ी अकल आने लगेगी कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, गलत जगह आ गए, अगले घर चलते हैं। तो इस प्रकार के गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। जो रटन करवाने वाले हैं, रटन करने वाले हैं, वो सुमरण करने वाले नहीं हैं, वो जागृत गुरु नहीं हैं, वो आपको वहाँ ले के नहीं जा सकते। इससे अच्छा आप बिना गुरु बनाए भी रह जाओगे, वो श्रेष्ठ रहेगा। पूर्ण गुरु मिले बिना, हम बिना गुरु बनाए भी भजन करेंगे तो वो भी हमारा जुड़ेगा। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलते, पूर्ण गुरु मिलने के बाद भजन की ताकत अलग ही बढ़ जाती है। जब मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई, ध्यान में हम इतने रहते थे पता नहीं चलता था कि कहाँ चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई, बिल्कुल नज़दीक से बहुत चीज़ें गुजरी लेकिन कोई छू नहीं पाया। अनेकों बार, गिनती नहीं है, जो पुराने लोग हैं 10-12 वर्ष से मेरे साथ, उनको बहुत घटनाओं का पता भी है और उन्हें कई लोगों का अनुभव भी हुआ। लेकिन भ्रम के कारण से वही बात ना, कि स्थितियां गिर जाती हैं। मैंने जिसका हाथ पकड़ा अपनी तरफ से, मैं आज भी प्रयास करता हूँ जा करके वो परमात्मा जीवों का हाथ पकड़ लेते हैं। ध्यान में भी कुछ जीवों के साथ आमने सामने साक्षात घटनाएं भी हुई कि हाथ पकड़ लिया जा करके कि नहीं, ध्यान का समय है, भटकने का नहीं। वो जीव जानते हुए भी, पता होते हुए भी संसार के वश, माया के वश, कर्म संस्कार के वशीभूत होकर के नीचे की स्थिति में आकर के बावर के अंदर फंस जाते और उनका जन्म दोबारा होने के चांस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमारी वो स्थिति शरीर छोड़ते समय
अगर नहीं रही तो नीचे आ जाएंगे। आखिरी श्वास के अंदर जो आपकी स्थिति रहेगी वही निर्णय करेगी कि आपको कहाँ जाना है, कितनी चढ़ाई होगी, वो निर्णय आ जाएगा आपके सामने। तो उसके लिए तैयार होने के लिए हमें भजन की आवश्यकता होती है। तो जो साथ जाते हैं जीवों के रिश्ते नातेदार रोते चिल्लाते बिलखते रह जाते हैं, वो गुरु साथ लेकर के जाते हैं। दूसरा कोई जीव का ना प्यार करने वाला होता है, ना उसकी कोई मदद करने वाला होता है, उस जीव को अकेला लड़ना पड़ता है। ये भी मत सोचना कि पितर साथ देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, परमात्मा तक छोड़ आएंगे, नहीं, क्योंकि वो भी बेचारे अटके हुए हैं पितर योनि के अंदर, वो भी उससे आगे नहीं जा सकते, एक सीमा है उनकी भी, वहीं रोक लिए जाते हैं कि बस। तो ये जीवों के साथ बड़ा अत्याचार होता है कि यहाँ कुछ समझाया जाता है वहाँ कुछ मिलता है, यहाँ बोला जाता है वहाँ मिठाइयाँ होंगी, बड़े बड़े छप्पन भोग होंगे, पकवान होंगे, वहाँ जा करके देखते हैं कहाँ पकवान मिलने हैं, यहाँ तो नरकों की आग जल रही है उसमें डाला जाएगा। फिर खोजते हैं कि अब की बार, क्योंकि साथ में जो घटनाएं होती हैं, जो जीव शरीर छोड़ते हैं, जो पूर्ण गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो जीव उनको कोई रोक नहीं सकता, ना वो यमराज से घबराते हैं, ना उन्हें स्वर्ग नरक का भय होता है, ना कोई डराने वाला, ना रोकने वाला। उन आत्माओं की स्पीड उन आत्माओं से लाखों गुणा तेज होती है। फिर जो वो आत्माएं होती हैं जो भजन नहीं करती, वो आत्माएं आसपास भी नज़र नहीं आती उनके, वो आत्माएं दरबार की तरफ बढ़ जाती हैं, ये आत्माएं रोक ली जाती हैं, इनको वहीं रोक लिया जाएगा कि इधर आ जाओ। फिर बातें होंगी आपस में कि ये क्यों जा रहे हैं आगे, हम क्यों पीछे रह गए, इनके साथ इनके गुरु थे वो हाथ पकड़ के उड़ा करके ले जा रहे हैं, कि फिर गुरु तो हमने भी बनाए हैं, तुमने बनाए तो हैं लेकिन गुरु पूर्ण नहीं है, उस मार्ग के भेदी नहीं हैं, उस शब्द के जानकार नहीं हैं, वहाँ तक कि उनकी चढ़ाई नहीं है, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, जहाँ तक चढ़ाई है वहाँ तक वो ले जाएंगे, और वहाँ तक के जो जीव हैं वो उसी के पास जाएंगे। लेकिन जो आप भजन करेंगे इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, इससे आपके कष्ट भी समाप्त होंगे, आगे के मार्ग भी खुलेंगे, दोहरा लाभ होगा आप लोगों को कि सांसारिक लाभ भी होगा, आध्यात्मिक लाभ भी होगा, और ताकत भी आएगी, आत्मा बलवान होगी, हृदय मजबूत होगा, शरीर स्वस्थ होगा, संसार के अंदर भी कोई कमी नहीं रहेगी, और ऊपर जब आप चढ़ करके जाओगे शरीर छोड़ने के बाद, वहाँ गुरु आपका इंतज़ार करते मिलेंगे कि ये जीव आए मेरा और मैं इसको ले जा करके दरबार में छोड़ करके आऊँ, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु वही तत्व है जो आपके अंदर विराजमान है,
जो पूर्ण परमात्मा के अंदर विराजमान है वही तत्व है।